हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सीखेंगे कि चप्पल सीधा कैसे पहनते हैं। चप्पल पहनने के भी कुछ नियम होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर कुछ नियमों के बारे में बात करेंगे कि हम लोग चप्पल कैसे पहने। पहला नियम ये चप्पल जो है ऐसा उल्टा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? उल्टा होगा तो आप ऐसे पैर रखिएगा, ऐसे पैर रखिएगा, ये तो चप्पल सही नहीं पहन सकते हैं। तो पहला नियम यह है कि चप्पल को इस तरीके से सीधा रखना है, सीधा रखना है, फिर चप्पल को इस तरीके से पहनना है, ठीक है? दूसरा नियम यह है कि चप्पल सीधा करने का मतलब ये नहीं कि चप्पल तो ऐसे में भी सीधा है। पता चला ऐसे भी चप्पल सीधा है, बहुत बच्चे इस तरीके से चप्पल पहन लेते हैं, तो ये तरीका भी गलत है। तो चप्पल को दाएं वाले को दाएं और बाएं वाले को बाएं रखना है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ताकि आप इसको सही तरीके से पहन सकें, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी चप्पल खरीदिए, आप चप्पल को जोड़ा में खरीदिए, ठीक है? कोई सिंगल चप्पल नहीं खरीद कर आइएगा, क्योंकि चप्पल सिंगल रहेगा तो आप एक ही पैर में पहन सकते हैं। अच्छा है कि आप दोनों चप्पल खरीद कर लाइए, जोड़ा में खरीदिए, ये सबसे मुख्य बात है। अच्छा, सवाल सबसे बड़ा बनता है कि कुछ कुछ चप्पल जो है एक जैसे दिखते हैं, आप जैसे देख सकते हैं, जो होते हैं एक साइज के भी दिखते हैं और एक जैसे भी दिखते हैं, बस रंग का फर्क होता है। तो देखें कि अब ये दो चप्पल हैं, अब मान लीजिए एक बाएं में पहन लिए, एक दाएं में पहन लिए, तो क्या चप्पल पहनना सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। आपको चप्पल का रंग को भी बिल्कुल ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि जब भी आप चप्पल सही से नहीं पहनिएगा तो क्या होगा कि आप बार बार गिरते रहिएगा, जिससे आपको चोट लगेगा, आपको बहुत नुकसान पहुँचेगा। चप्पल को बराबर वजन देना है दोनों पैरों से, नहीं तो पता चला एक चप्पल ज़्यादा धस गया, एक चप्पल कम धस गया है। कुछ बच्चे ऐसे चप्पल पहनते हैं कि इधर वाला इससे साइड वाला ज़्यादा खिया जाता है, इधर वाला कम, और टेढ़ा टेढ़ा चलने लगते हैं, जिससे उनको विकलांगता होने की संभावना होती है। तो ज़्यादा जरूरी है कि चप्पल आप बिल्कुल सीधा रखें, स्ट्रेट। बहुत बच्चे चप्पल को इस तरीके से भी पहन लेते हैं, मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, इस तरीके से भी चप्पल पहन लेते हैं, कोई इधर से घुसा देते हैं, जहाँ नहीं घुसना है उधर से घुसा के चप्पल पहनने लगते हैं। तो ये सब तरीका गलत है। आप सबसे सावधानी बरतिए कि चप्पल जोड़ा में खरीदिए और चप्पल को इस तरीके से सीधा रखिए, एकदम बराबर में, और एकदम सही से चप्पल पहनिए। तो दोस्तों, आप चप्पल पहनना अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, आशा करता हूँ कि आप चप्पल पहनना सीख ही गए होंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि एक बार चप्पल पहनना हमारे पैर से देखिए, हमारे तरीके से, आप एक बार सीखिएगा, जीवन भर कभी नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ सीख गए होंगे आप चप्पल पहनना। धन्यवाद।